हेलो नमस्ते, मैं हूँ नैना अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल रूह योग में। हमारा जो फेस है, हमारा रिफ्लेक्शन होता है। हमारा फेस अगर अच्छा हो, हमारी स्किन अगर ग्लो कर रही हो, तो हमारा कॉन्फिडेंस अंदर से ही आता है। हमारा काम अच्छे से होता है। अगर हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारा चाहे फेस का हमारी शेप जैसे भी हो, हमारा जो कलर है वो कैसा भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारी सुंदरता है, जो हमारी ब्यूटी है, वो हमारी स्किन कैसी है, हमारी स्किन कितना ग्लो कर रही है, उससे पता चलता है। हमारी स्किन में कोई दाग धब्बे तो नहीं है, वो उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको एक ऐसा आसन जिससे आपकी स्किन एक हफ्ते के अंदर इतना ग्लो करने लगेगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस आसन का नाम है सर्वांगासन। इस आसन को रेगुलर करना है। स्टार्टिंग में हम इसको 30 सेकेंड, 20 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं, बट धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ा के हमें 2 मिनट तक लेके जाना है। इसका जो हमें फ़ायदा मिलेगा, अगर हम इसको रोज 2 मिनट करेंगे तो इसका हमें पूरी तरीके से फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बताती हूँ आपको हमें ये किस तरीके से करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें सब आसन में लेटना होगा। हम सब आसन में आ चुके हैं और अब हम इसे धीरे धीरे स्टार्ट कर। इसको करने से जो हमारी डबल चिन है वो भी कम होगी और ये फेस की झुर्रियों को भी कम करता है। इससे स्किन ग्लो करती है। तो इस आसन को स्टार्टिंग में आप कुछ सेकंड तक करें, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितना आप कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाइए, इसको 2 मिनट तक करिए। इसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। 2 से 3 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा फेस की तरफ आता है। ये हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारा हेयर फॉल रोकने में भी काम करता है। अगर हमारी आई साइड वीक हो रही हो तो ये उनके लिए भी, ये उस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसको आप रेगुलर करिए और इसको करने के बाद थोड़ी देर आप सवासन में लेटिए, क्योंकि इसको करते हुए सारा जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ होता है, हमारे फेस की तरफ होता है। तो इसलिए झटके से उठेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। तो इसको करने के बाद हम कुछ सेकेंडों के लिए सवासन में ही लेट जाएं और उसके बाद उठ के, इसके बाद आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप इसको रेगुलर करिए और इसको करने के लिए कोई खास वार्म अप की भी जरूरत नहीं है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को आगे भी देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्ते।